बांग्लादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ स्टोरी। इक्वल साहब मैं जिंदा हूं, मुझे मृत घोषित कर दिया है। आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज चैनल पर हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर। बिजनौर जनपद के चांदपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां बिजली विभाग के एक जिंदा कर्मचारी को मृतक दर्शाते हुए मृत्युपरांत देयों के भुगतान के लिए उसके घर पत्र भेज दिया गया। लापरवाही की पराकाष्ठा का आलम यह है कि पत्र पर अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तक है। जीवित संविदा कर्मचारी खुद को मृतक जानकार हैरत में पड़ गया तो खुद को जिंदा दिखाने के लिए अधिकारियों के समक्ष पहुंचा, जहां फिलहाल उसे जांच का आश्वासन मिल गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के चांदपुर नगर मोहल्ला चिम्मन निवासी अनीस अहमद पुत्र अहमद वाहिद चांदपुर नगर में स्थित 33/11 प्रथम पर संविदा कर्मी के तौर पर तैनात है। अनीस अहमद ने बताया कि स्वस्थ होकर वह 4 जुलाई 2024 को अपनी ड्यूटी पर चला गया था। लापरवाही का आलम देखिए कि अनीस ने ड्यूटी ज्वाइन करने के साथ ही जून माह का मानदेय दिलाने के लिए विभाग में सुपरवाइजर नीरज यादव को प्रार्थना पत्र भी दिया। इसके बाद अनीस की पत्नी कैसर जहां को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें अनीस को मृत दर्शाते हुए मृतक संविदा कर्मी अनीस के मृत्युपरांत देयों के भुगतान हेतु आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया गया था। संबंधित पत्र अधिकृत हस्ताक्षरी शाहवार अंसारी द्वारा जारी किया गया था। पत्र देखकर जीवित अनीस अहमद के पैरों तले जमीन खिसक गई और खुद को जिंदा दर्शाने के लिए तुरंत विभाग की ओर दौड़ लगाए। कर्मचारियों को जिंदा देख विभाग में हड़कंप मच गया। बाइट इक्वल्स अनीस, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनीस है, मोहल्ला चिम्मन का रहने वाला हूँ, चांदपुर का जी। क्या मामला हुआ, क्या मामला बताइए? मैं 20 तारीख में कार्य कर रहा था। कहाँ में? लाइट में। अच्छा, कहाँ पर? कराल रोड पर जी। तो उसमें करंट आ गया जी, करंट की चपेट में आया तो मुझे सियाव अस्पताल में ले गए। अस्पताल वालों ने, सियाव वालों ने बिजनौर भर्ती कर दिया, रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद वे मेरठ को रेफर कर रहे थे। भाई मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी जो मैं मेरठ रेफर हो जाता, समझे। उसके बाद मैं कार्य 4 तारीख में कार्य करना चालू कर दिया मैंने, इसी महीने जुलाई में। इसके बाद मेरे पास मृत्यु प्रमाण पत्र आ गया कि भाई तुम्हारी मृत्यु हो गई तुम्हारी। अच्छा, आपने कुछ अपने मतलब आपने कोई प्रार्थना पत्र दिया था, क्या दिया था? मैंने एक ज्वाइनिंग लेटर दिया था। क्या कहा था, क्या लिखा था उसमें? तो उसमें हमारा वो जो है सुपरवाइजर जी, सुपरवाइजर जो है वो बोला भाई एक तुम अपना ज्वाइनिंग लेटर दो। वो मैंने उनको लिख के दिया, उन्होंने कंपनी को भेजा। कंपनी को जब भेजा तो कंपनी ने शाम, मैंने दिन सुबह में भेजा, उन्होंने शाम को मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र भेज दिया जी, हमारी वाइफ का नाम केसर जहाँ का नाम जी जी, समझे। उसके बाद मैं हिल गया। तो कैसे मतलब किसके द्वारा आया था वो प्रार्थना पत्र? ये हमारा सुपरवाइजर के द्वारा आया था। अच्छा, तो आपने देखा क्या? बस मैंने देखा तो मैंने अपने अधिकारियों को भेजा। अधिकारियों ने सुपरवाइजर से गया, हमारे जय साहब से गया। जय साहब भी सोचने लगा भाई तू जब कार्य कर जाता तो मृत्यु प्रमाण पत्र कर दिया। तो क्या चाहते हैं? बस क्या चाहते हैं, हमारी सैलरी आ जाए और हमारा ज्वाइनिंग लेटर हो जाए, बस हम तो अपना कार्य कर ही रहे हैं। तो वो गलत लेटर आया इसका? हाँ, ये गलत लेटर है ना। अब भाई मैं तो जीवित हूँ, काम कार्य कर रहा हूँ, तो कैसे मृत्यु प्रमाण पत्र ले लूँ?